इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि LIC की जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये क्या होता है। बहुत सारे लोग YouTube पर गूगल पर सर्च करते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है, या फिर उनका पॉलिसी बॉन्ड में लिखा होता है, या फिर उन्होंने कहीं से सुना है कि सर्वाइवल एक होता है, सर्वाइवल बेनिफिट एक चीज़ होता है जो LIC में। असल में इसका क्या मतलब होता है, और अगर आपको सर्वाइवल बेनिफिट अगर मिल रहा है तो आपको कितना मिलेगा, कैसे आपको पता, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट है कि नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो इसे किसी भी अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आप जहाँ जहाँ चाहे वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप शेयर करते हो तो दूसरे लोगों को इसके बारे में पता चलता है, उन्हें भी इन सारे इन्फॉर्मेशन से उनको एक अच्छा नॉलेज होता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए LIC की जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये एक ऐसा बेनिफिट है जो मैच्योरिटी होने से पहले LIC पॉलिसी होल्डर को देता है। यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर रहता है तो उस वक्त तो एक मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी का बेनिफिट में क्या मिलता है कि जितना आपने साम इश्योर्ड ले लिया है पॉलिसी में ये मिलता है, और LIC की तरफ से जो भी बोनस है, जो भी गारंटेड जो एडिशन है, ये सारे मैच्योरिटी के बेनिफिट में मिल जाता है। लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले LIC उस पॉलिसी के हिसाब से, उस प्लान के हिसाब से, उस स्कीम के हिसाब से जो भी बेनिफिट तय किया जाता है वो बेनिफिट मैच्योरिटी से पहले दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मनी बैक पॉलिसी, LIC की मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि उसमें आपको हर पाँच साल में कुछ परसेंटेज आपको एक अच्छा अमाउंट LIC की तरफ से दिया जाता है। ये मनी बैक जो होता है ये मनी बैक ही सर्वाइवल बेनिफिट है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने मनी बैक पॉलिसी ले रखा है, अगर आपने मनी बैक पॉलिसी ले रखा है तो आपको हर 5 साल में LIC आपको 20,000 रुपये देगा, या फिर 40,000 देगा, या फिर आपको 1,00,000 रुपये देगा। अगर आपका पॉलिसी में ये जो 1,50,000, जो 40,000, जो हर पाँच साल के बाद आपको देते रहेगा, तो ये जो हर 5 साल में जो अमाउंट देता है इसे ही सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। इसके बाद जब पॉलिसी मेच्योर होगा तब तो फिर से मेच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगा, जब आपका टर्म ख़त्म हो जाएगा पॉलिसी का, तो उस वक्त तो मेच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो हर पाँच साल में जो भी पैसा मिल रहा था इसे ही सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। अगर आपने मनी बैक पॉलिसी ले रखा है तो उसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको मनी बैक मिलेगा। जो मनी बैक का जो अमाउंट है यही सर्वाइवल बेनिफिट है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे जीवन उमंग है, अगर जीवन उमंग आपने पॉलिसी ले रखा है तो आपको लाइफ टाइम आपको गारंटेड आपको पैसा मिलेगा, तो ये सर्वाइवल बेनिफिट है। अभी रिसेंटली जो पॉलिसी लॉन्च हुआ है, ये जो पॉलिसी जो जीवन उत्सव है, इसमें भी आपको 5 साल प्रीमियम जमा करना है और 10-11 साल से जो पैसा मिलेगा, जो गारंटेड जो 10% साम इश्योर्ड का मिलेगा, ये भी एक सर्वाइवल बेनिफिट है। ये कब तक मिलेगा? ये मिलते रहेगा, हर साल मिलते रहेगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होता है कि जो आपको मनी बैक मिलता है LIC पॉलिसी लेने के बाद, अगर आप प्रीमियम जमा करते रहते हो मैच्योरिटी से पहले, जो भी पैसा मिलता है LIC अपने आप से जो देता है, ये सर्वाइवल बेनिफिट है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो तो ये सरेंडर है, ये आपका सर्वाइवल बेनिफिट नहीं, ये सरेंडर वैल्यू है, ये कैश वैल्यू है। ये आपका ये जो सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। सर्वाइवल बेनिफिट वही होता है जो स्कीम के अनुसार प्लान के हिसाब से आपको जो बेनिफिट दो या जो पैसा आपको रिटर्न देगा मैच्योरिटी से पहले, वही सर्वाइवल बेनिफिट है। उम्मीद करते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में एक छोटा आइडिया जरूर मिल गया होगा। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हो, surajbarai.com, जहाँ पर मैं बहुत सारे LIC पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित वहाँ पर मैं जानकारी लिखता हूँ और शेयर भी करता हूँ। तो आप वहाँ पर विजिट करिए और वहाँ पर इन सब के बारे में ज़रूर जानें। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है कि अगर आप सर्वाइवल बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो? इसके लिए बस कुछ करना नहीं है, आपको LIC ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आपको NEFT फॉर्म आपको एक फ़िलअप करना होता है। NEFT की एक फॉर्म है, उसे आपको फ़िलअप करना है, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, ये सारे डिटेल्स वहाँ पर देना है। इसके साथ ही साथ आपका जो बैंक पासबुक का जो जेरोक्स है वो चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। अगर आप ये जमा कर देते हो तो जो भी मनी बैक का पैसा है, जो भी आपका सर्वाइवल का जो पैसा है, ये पैसा आपका अकाउंट में मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। एक बार अगर आप NEFT को रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो बाकी जितना भी आपका मनी बैक का पैसा है, यानी कि फ्यूचर में जितना भी आपका सर्वाइवल बेनिफिट मिलना है, ये सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक आते रहेगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा आपका बैंक अकाउंट में, आपको कुछ करना नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपना सर्वाइवल बेनिफिट को आप LIC से ले सकते हो। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका सर्वाइवल बेनिफिट आपका पॉलिसी में है कि नहीं है, या फिर आपका पॉलिसी में मनी बैक
मिलना है या फिर नहीं, आप कैसे पता कर सकते हो? इसके लिए आप कोई भी एजेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना पॉलिसी बॉन्ड उसे दिखा सकते हो कि देखो भाई ये पॉलिसी में मेरा सर्वाइवल बेनिफिट है कि नहीं या फिर मनी बैक है कि नहीं, तो ये देख के बता सकता है कि आपको पॉलिसी में है कि नहीं। इसके अलावा आप LIC के ऑफिस में भी जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका इसे है कि नहीं। अगर आपको इसमें अगर आपको खुद से अगर आपको देखना था पॉलिसी बॉन्ड में, आप पढ़ सकते हो कि उसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो LIC में जो मनी बैक प्लान है, अगर उसने आपने अगर आपने मनी बैक पॉलिसी अगर आप ले रखा है उसमें तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने जीवन लाभ ले लिया है, अगर आपने जीवन आनंद ले लिया है, अगर आपने न्यू एंडोमेंट ले रखा है, तो इन सब जो प्लान है, ये सब जो टेबल है, इसमें मनी बैक नहीं मिलता है, ये सिर्फ मैच्योरिटी का बेनिफिट ही देता है। वहीं पर अगर आपने चाइल्ड पॉलिसी ले लिया है तो चाइल्ड पॉलिसी में आपको मनी बैक मिलता है, जैसे चिल्ड्रेन मनी बैक प्लान है इसमें आपको मिलता है, जीवन तरुण के जो है इसमें भी मनी बैक मिलता है। तो ये सब जो प्लान है इसमें मनी बैक पॉलिसी है ये, और इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप एंडोमेंट, अगर जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य ये सब अगर आप ले रखे हैं तो इसमें आपको कोई भी मनी बैक नहीं मिलता है, इसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी का बेनिफिट है। जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा उस वक्त आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। और अगर आपको खुद से पता करना है तो पॉलिसी बॉन्ड में पढ़िए और चेक कीजिए उसमें है कि नहीं है। अगर है तो उसमें लिखा होगा कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा ये भी वहाँ पर लिखा होगा। इसके अलावा आप LIC के ब्रांच ऑफिस में जाइए, अपना नज़दीकी जो एजेंट है उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे भी आप पूछ सकते हो, जाँच सकते हो, इस तरह से आपको पता चल जाता है। इसके अलावा भी आप LIC की वेबसाइट में भी जाकर आप विजिट कर सकते हो कि आपको वहाँ पर इस प्लान में ऐसा फैसिलिटी है कि नहीं है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो का लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी इससे अच्छा हेल्प मिलता है, क्योंकि YouTube उसको रिकमेंड करता है, जिससे उन्हें भी इन सारे इन्फॉर्मेशन से एक अच्छा नॉलेज होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।